दोस्तों और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक भी कर देना दोस्तों। अगर नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो मैंने स्टार्टिंग से जो वीडियो बनाई है उसकी आप पहले एक क्लिक आपको देखनी होगी कि इसको मैंने किस तरीके से तैयार किया है। और ये आप पट्टी देख रहे हैं, इसके नीचे स्लैब डली हुई है पत्थर की। ये स्लैब को हमने बंद करने के लिए 3 इंच की पट्टी और लगा दी है स्लैब को ढकने के लिए। और आप ये पल्ला देख रहे हैं दोस्तों, स्लैब के ऊपर से ही लेते हुए हमने पट्टी के ऊपर ले लिया है ये पल्ला। और ये पल्ला जो आप देख रहे हैं 27 इंची पल्ला कम्प्लीट बन के आ रहा है दोस्तों, ये 27 इंची का पल्ला बन के आ रहा है। और टोटल की हम बात करें तो लगभग ये 29 इंची बन के तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार हमारी, अभी आपको मैं बता दूं यहाँ पे आरओ का सिस्टम मैंने रखा हुआ है। ये फ्रिज का जो बड़ा वाला खन है दोस्तों, इसमें आरओ रखा जाएगा, जो कि आपके नीचे रखा हुआ दिख रहा है, ये आरओ वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो वो मैं आपको वीडियो बाद में भी दे सकता हूँ, आप देखते रहना वीडियो को। इसके बाद आपका ये जो जितने भी खन बने हुए हैं दोस्तों, ये सारे खन इसी प्रकार बने हुए हैं, सारे खन इसी प्रकार बने हुए हैं। और ये कोने में आप देखना चाहते हैं, ये देखिए ये कॉर्नर वाला खन है, ये काफी बड़ा कोना है, इसमें बहुत ज्यादा आइटम आ सकता है, बड़ा आइटम भी आ सकता है। अगर डिमांड होती है तो हम पार्टीशन में डाल देते हैं दोस्तों इसके बीच में, क्योंकि बड़ा ज्यादा हो रहा है। और वैसे ये काफी बड़ा रखा होगा क्योंकि बड़ा स्पेस है, बड़ा डब्बे जो होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा जी देखिए चिमनी का जो पोर्शन है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो आपकी चिमनी रहेगी, चिमनी यहाँ टक जाएगी दोस्तों, तो इसका चिमनी का बीच का जो पोर्शन है वो मात्र 27 इंच छोड़ा है। तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, 24 इंच की अगर चिमनी लाते हो तो 26, 27, 28 जो से आपकी रिक्वायर हो उस अनुसार आप छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने 27 इंच अंदर अंदर की तरफ छोड़ दिया है, चिमनी जो है आपकी फिट हो जाएगी। चिमनी में ला के रख चुका हूँ और फिटिंग भी आपको बता दूंगा, चिमनी के अंदर फिट की जाती है। इसके अलावा ये सिंगल पोर्शन है, यहाँ पे अगर पार्टी से देना चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं होगी। तो ये लास्ट में आपको बता दूं, ये देखिए लास्ट वाला, ये भी आपको पूरी तरह से तैयार है। लास्ट में ये बड़ा आइटम रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो साइज मैं आपको बताने वाला था, तो साथ में आपको जो साइज बताने वाला था इस किचन का, तो ये आप पोर्शन यहाँ से आप यहाँ से देखेंगे तो 6 फीट का साइज है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक आप देखेंगे तो 8 फीट बनकर तैयार होती है। तो ये ऊपर का पोर्शन है दोस्तों, मैं ऊपर का पोर्शन यहाँ तक तैयार कर लिया है। अभी मैका लगा के और पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना, वीडियो स्किप ना करें। अभी आपको बात करते हैं नीचे के पोर्शन की, जो कि पूरी तरह तैयार नहीं है। नीचे का पोर्शन तैयार करने के बाद वीडियो कंप्लीट होने तक आप मेरी वीडियो पर बने रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा ये मेरी क्लिप जो आपने देखी है पनीर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको मैंने कम्प्लीटली तैयार कर दिया है। और कम्प्लीटली जो तैयार किया है इसके बारे में कम्प्लीटली मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लगातार देखते रहे। तो दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे फर्स्ट में हमने जो आरओ का ये पला जो लगाया है दोस्तों, तो आरओ हमने इसके अंदर फिट किया हुआ है, आरओ हमने इसके अंदर फिट किया हुआ है। तो इस प्रकार हमने इसका बॉक्स बनाया है। इसका जो आरओ का जो नल है डायरेक्टली हमने इसका गोटे बाहर निकाल दिया है, जिससे कि पानी भरने में आसानी हो। जो ये टोटली जो हाइट आप देख रहे हैं ये 2.5 फीट में बनी हुई है, 30 इंच में बनी हुई है। और इसकी जो चौड़ाई मैं आपको बता दूं दोस्तों, अंदर अंदर हमने बनाया था आरओ के हिसाब से, ये अंदर 30 इंच की चौड़ाई है दोस्तों।
आरओ हमारा तकरीबन 19 इंची का बनता है, 21 इंची हमने इसको हम अंदर तक तैयार किया है। और ये जो पल्ला है आपका ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अभी इसके बारे में बोला जाओ, आगे बढ़ते हैं। अंदर की तरह आप देख रहे हैं व्हाइट मार्का टोटली लगा रखी है। अंदर जो व्हाइट मार्का लगा रखी है वो एकदम शाइनिंग के तौर पर लगाई। जो आप बीच का जो फटा देख रहे हैं ये फोल्डिंग हमने लगा रखा है, इसको आप कभी भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं। शाइनिंग की अगर बात करते हैं, सफाई की अगर बात करते हैं तो सफाई आप देख पा रहे हैं, लेमिनेट मैंने दोनों तरफ लेमिनेट कर रखा है, और जो टक्कर आप देख रहे हैं ये भी हमने पूरी तरह से लेमिनेट कर रखा है। तो सफाई की बात करें तो सफाई काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसमें सफाई दी गई है। दोस्तों हैंडल की बात करेंगे तो ये जो हैंडल है ये हमारा 6 इंची का हैंडल है। दोस्तों ये हम बात कर रहे थे हैंडल की, ये 6 इंची का हैंडल है। दोस्तों ये 6 इंची का हैंडल ब्लैक कलर में रेड पे लगा दिया है, कॉम्बिनेशन मिला के दिया है हमने। और आप देख रहे हैं ये व्हाइट माइका, हमने व्हाइट रेड और ब्लैक, ब्लैक हैंडल रेड माइका ये है, और व्हाइट माइका अंदर की तरफ रखी हुई है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन काफी निकल के आता है। दोस्तों तो ये आप देख रहे हैं अंदर का जो साइज है ये मात्र 28 इंची का हमने बना रखा है। दोस्तों तो इसी प्रकार आप ये पल्ले बना रहे हैं। और अभी कोने की बात करते हैं, आप कोने की तरफ जाएंगे तो ये देखिए कोने में आपने देखा काफी बड़ा कोने, और इस कोने में जैसे कि आपने टेबल बीच में बना रखा है, डिवाइड करके आप इतना ज्यादा सामान रख सकते हैं इसके अंदर कि आपको दिक्कत नहीं होगी, सामान रखने में दिक्कत नहीं होगी, काफी ज्यादा सामान आप ला सकते हैं। मैं बात करना चाहूंगा इधर की, जैसे कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ इधर बड़ा पल्ला छोटा रखता है, क्योंकि अगर आपको कोई बड़ा आइटम रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं बड़ा आइटम। तो ये कोना इस प्रकार हमने तैयार किया। अभी दोस्तों ये बात करेंगे, एक छोटा सा हमने 15 इंची का बना रखा है, इसमें हमने बर्तन दे रखा है, यहाँ भी अगर छोटा आइटम है आपका तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। दोस्तों अभी चिमनी की बात करते हैं, तो ये चिमनी जो सेंसर वाली चिमनी है, इससे पहले ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि चिमनी का जो बॉक्स है दोस्तों, ये चिमनी 24 इंची की रहती है और इसके अंदर बॉक्स हम बनाते हैं 27 से 28 इंच तक बॉक्स बनाते हैं, थोड़ा बहुत इसके समय अंदर की रखना पड़ता है। तो ये फ्लेक्सिबल पाइप है, बाहर हमने निकाल दिया, ऊपर जेट फैन लगा हुआ था इसको निकाल दिया है, और एयर निकालने के लिए इसकी जो गैस हवा जो भी रहेगी कचरा बाहर निकालने के लिए एडजस्ट फैन में पाइप बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों तो ये आप देख रहे हैं 28 इंच मैंने सेंसर वाली चिमनी है, इसको मैं चालू करके दिखाना चाहूंगा दोस्तों आपको। तो ये चिमनी सेंसर वाली है, इसे आप सेंसर द्वारा चालू कर सकते हैं। ये देखो ये चालू हो चुकी है, यानी ऑन हो चुकी है। अभी आपको स्पीड इसमें बढ़ानी है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो ये नंबर 2 पर चल गई, अभी आगे और बढ़ाना चाहें तो नंबर 3 पे ये फुल स्पीड में इस समय चली हुई है। अभी नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं इसमें लाइट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि लाइट लेने से जैसे कि आपको कोई भी सामान रहता है, आप अंधेरे में काम करते हैं, लाइट का प्रकाश भी यहाँ पर बराबर पड़ता रहेगा। इसको अगर आप बंद करना चाहें तो एक बार बंद भी कर सकते हैं। तो ये हाथ से ही बंद हो रही, सेंसर से बंद हो रही। अभी आगे चल के बात करूं, ये लास्ट में जो आप कोना देख रहे हैं ये भी हमने 15 इंची का बनाया, इसमें डिवाइड दिया वाले सामान आपका काफी ज्यादा इसमें आ जाएगा। तो ये रेंच में आप देख रहे हैं एक किसी का छोटा सा पक्का ये रेंच में था, हमने इसको यहाँ पे खुला छोड़ दिया है। इसके जस्ट बगल में हमने क्रॉकरी के लिए एक बॉक्स बना रखा है, ये 4x48x30 इंची का बॉक्स बना रखा है हमने। तो या क्रॉकरी का जितना भी आइटम है आप इसमें रख सकते हैं। नीचे के ऊपर जैसे सिंक के नीचे हमने ये बना रखा है, तो सिंक के नीचे दोस्तों 2 पल्ले हमने लगा रखे हैं। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर रेड कलर की माइका थी, नीचे व्हाइट कलर की है, और इसमें टेप जो हमने रेड कलर का दे रखा है, तो ये कॉम्बिनेशन हमने इसको मिला दिया है। ये नीचे सिंक की जगह है या खाली जगह है, डस्टबिन अगर रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, डस्टबिन के लिए हमने इसको खाली छोड़ा। और नीचे से आप देख पा रहे हैं इतना स्पेस दे रखा है कि अगर आप पानी फैलता है तो पानी का जो पोछा मारने के बाद वाइपर लगाने के बाद पानी अपना नीचे से ही निकल जाएगा, इसलिए हमने उसको यहाँ पर तकरीबन 2 इंची हमने गैप छोड़ा हुआ है। तो आगे चलते दोस्तों, एक पल्ला यहाँ भी है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं खन पूरा बड़ा है, इसमें आप बड़ा आइटम रखना चाहें रख सकते हैं, आटे की टंकी रखना चाहे तो वो भी रख सकते, चावल रखना चाहे जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। सेम इसी प्रकार हमने देखा आगे यहाँ भी सामान है, ये पतीले वगैरह रखे हुए हैं, कुकर है, पतीला है, जो भी सामान है यहाँ पे रखा हुआ है, इसी प्रकार सामान आपका रखा रहेगा। तो दोस्तों हमारे पास एक वाटर प्लाव है 9 इंची की, ये भी हमने रखी हुई है, यहाँ पे आप बोटल वगैरह है सॉस की रखना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों ये कोना है काफी बड़ा कोना है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये काफी बड़ा कोना है, और इसमें आप टंकी आटे की टंकी है, चावल की टंकी है, या अपना कोई भी बड़ा आइटम है वो आप रख सकते हैं, काफी बड़ा कोना है।
तो इस प्रकार हमने इसको खुला और ओपन रखा है अंदर से, इसमें कुछ भी लगाया नहीं है। तो ये कोने वाला पल्ला है, तो ये कोने वाला पल्ला है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा दिया है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे बास्केट की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ी थाली, तो बड़ी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, खड़ा हो जाएगा। तो बड़ी थाली यहाँ पे लगा सकते हैं, इससे ऊपर आप देख पा रहे हैं प्लेन है। तो बर्तन भी यहाँ पे जमा दिए गए हैं, बड़ी थाली है। यहाँ पे बड़े बड़े आइटम है, कटोरा है, जैसे जग, ये सारी लोटा है, ये सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई है। और अब हम ये 6 इंच की है दोस्तों, और वो 8 इंच की रहेगी। अभी ये बात करते हैं 4 इंच कटना की। तो ये कटन की है, इसमें आप देख पा रहे हैं चम्मच, बेलन और ये चमचा, इस प्रकार के आइटम इसमें रखे रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लगा दी गई है। अभी इधर की तरफ आते हैं, तो ये देखिए आपको ये प्लेन में है, प्लेन में भी हम रख सकते हैं बड़ा बर्तन, जो भी पतीला है, डेक्ची है, ऐसा कुछ आइटम होता है रख सकते हैं। ये छोटी थाली है, इसमें देखा आपने रखे हुए प्लेट छोटी छोटी रखी हुई है, ये आइटम इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये 4 इंच में प्लेन है, यहाँ पे ग्लासेस छोटे छोटे आइटम इसमें आप बड़े इजी तरीके से रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार हमारी जो किचन बनाने का तरीका है। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं, इसमें सिलेंडर रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं सिलेंडर रखा है। तो सिलेंडर का जो पाइप है दोस्तों अभी ऊपर से कटिंग होके इसमें छेद होके नीचे निकलेगा। अभी टेम्परेचर हमने लगा दिया है, तो ये देखिए जाली हमने लगा रखी है। अगर सिलेंडर अभी लगा है तो लीकेज गैस जो भी है वो बाहर इस द्वारा निकलेगी। तो साथियों हमने किचन पूरी तरह से तैयार कर दिए, और आपको शुरू से स्टार्टिंग से मैं किचन को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बनाना होता है और किस तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी किचन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद।